जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है हरियाणा में चल रहे किसान के आंदोलन को लेकर जितने भी बीजेपी और जेजेपी के विधायक हैं उनका विरोध हो रहा है, लेकिन भाजपा का दोगलापन सामने आ रहा है। जहां दुष्यंत चौटाला का उचाणा हल्के में विरोध हो रहा है, वहीं बिरजेंद्र और उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं प्रोग्राम। आखिर क्या है मामला, कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आप किसानों के साथ हैं तो जय किसान लिखिएगा, और अगर आप मोदी जी के साथ हैं तो जय मोदी जरूर लिखिएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 100 दिन पार कर चुका है। अब गांव में भाजपा जजपा नेताओं के कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध में भी राजनीति घुस गई है। उचाणा हल्के की बात करें तो यहां भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, उनके सांसद पुत्र बिरजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रेमलता किसान आंदोलन में लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो, चाहे वो किसान हो, उनका विरोध कोई नहीं कर रहा है। जबकि दिसंबर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उचाणा आने से पहले कुछ लोग हेलीपैड पर पहुंच गए थे, उन्होंने और उनके पीए के कार्यक्रमों का भी विरोध किया जा रहा है। विरोध के घुसी सियासत को अब किसान समझने लगे हैं, और धीरे धीरे विरोध करने वालों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि विरोध करने के वालों में किसान कम कांग्रेसी ज्यादा है, इसलिए सिर्फ दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं और वे सिर्फ बीजेपी जेजेपी के जो सपोर्टर हैं। हम बता दें आपको कि जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उन्हें ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है, बल्कि वीरेंद्र सिंह और बिरजेंद्र सिंह धड़ाधड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। आप इसको क्या कहोगे, बीजेपी का दोगलापन? नहीं, हाईकमान कुछ आवाज उठा रहा है? नहीं। कोई और किस बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।